टिकट्स की बात है वो चर्चा चली हुई है और निश्चित तौर पर जल्दी ही आने वाले कुछ समय में टिकटों की घोषणा की जाएगी। उसमें मेरा तो उन्होंने बुलाया है, उस कंक्लेव के सिलसिले में मैं जा रहा हूँ और जो टिकट्स की बात है वो चर्चा चली हुई है और निश्चित तौर पर जल्दी ही आने वाले कुछ समय में टिकटों की घोषणा की जाएगी। जैसा कि भाजपा प्रचार में जुट चुकी है और कांग्रेस के भी प्रत्याशी फाइनल नहीं हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मानते हैं कि कांग्रेस पीछे रह रही है इन सारी चीज़ों को लेकर। देखिए, कांग्रेस प्रचार में जुटी हुई है। अब मैं धर्मशाला आया तो प्रचार ही हुआ, सुजानपुर गया प्रचार ही हुआ। अब ये कह सकते हैं कि आपके प्रत्याशी कब आएंगे? हमारे जो प्रत्याशी है वो चुनाव चिन्ह का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसलिए प्रत्याशी चुनाव चिन्ह का ही प्रतिनिधित्व करेंगे, जो हाथ का निशान है उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो हमारा जो प्रचार है वो जनता के अदालत में जाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य 5 साल में किए और जो ये अभी जो खरीदने वाला काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और बिके हुए विधायकों को जो टिकट दिया, ये हम जनता की अदालत में रख रहे हैं। ये चुनाव लोकतंत्र की जो हत्या करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, पैसे के दम पर सत्ता की कुर्सी की हथियाने की जो कोशिश की, वो मुख्य मुद्दा होगा। उसके अलावा जो हमने 15 महीने में जो आम जनता से संबंधित कार्य किए, उस संदर्भ को हम जनता की अदालत में उठाएंगे। आप आरोप में बात कि धर्मशाला में आप आए और कांग्रेस का प्रचार आपने किया, लेकिन अगर बात करें सुधीर शर्मा की तो वो कह रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो मेरा प्रचार कर रहे हैं। बिके हुए विधायक के बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं उसका प्रचार ज़्यादा कर रहा हूँ। वो तो बिका हुआ है, उस बेचारे को तो जो बिके हुए विधायक होते हैं ना, जो सोचते हैं कि पैसे के दम पर हम जनभावनाओं से खिलवाड़ कर लेंगे, धर्मशाला की जनता पढ़ी लिखी है और जानती है कि सही समय पर सही उत्तर।